Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Here Saqib Khan. Welcome to our YouTube channel, Oil and Gas Information. इस वीडियो में आप देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम एट ड्रिलिंग रिग। एक ड्रिलिंग रिग पे कौन से सिस्टम्स होते हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ सिस्टम एट ड्रिलिंग रिग। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम एट ड्रिलिंग रिग। नंबर वन इज पावर सिस्टम, नंबर टू इज हॉस्टिंग सिस्टम, नंबर थ्री इज सर्कुलेटिंग सिस्टम, नंबर फोर इज रोटरी सिस्टम। ये अब आपके सामने चार सिस्टम लिखे हुए, पावर, हॉस्टिंग, सर्कुलेटिंग एंड रोटरी। अभी हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ गए जी पावर सिस्टम एट ड्रिलिंग रिग। इसमें हम देखेंगे पावर सिस्टम का क्या काम होता है और इसमें कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। द मेन पर्पज ऑफ पावर सिस्टम एट ड्रिलिंग रिग इज टू सप्लाई द पावर टू द अदर सिस्टम। पावर सिस्टम का मेन काम है जी जो बाकी सिस्टम लगे हुए हैं उनको पावर सप्लाई करना। बाकी कौन से सिस्टम है? हॉस्टिंग सिस्टम, सर्कुलेटिंग सिस्टम, रोटरी सिस्टम। मीन के जो पावर सिस्टम होगा वो बाकी तीनों सिस्टम को पावर सप्लाई करेगा। अच्छा, साथ में कहता है आल्सो गिव पावर टू द अदर इक्विपमेंट लाइक ब्लो आउट प्रिवेंटर, बीओपी। मीन के जो बीओपी को कंट्रोल करने के लिए कॉमन यूनिट होगा उसको पावर प्रोवाइड करेगा, वाटर पंप्स इनको पावर प्रोवाइड करेगा और रिग लाइटिंग सिस्टम वगैरह। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पावर सिस्टम। इसमें कौन कौन से पावर सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं? देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स फॉर पावर सिस्टम एट ड्रिलिंग रिग। सबसे पहले जनरेटर्स होंगे, SCR यूनिट होगा फॉर DC सप्लाई के लिए। मीन के जिधर आपको DC मोटर्स वगैरह लगी हुई हैं उसके लिए SCR यूनिट होगा, वो DC सप्लाई प्रोवाइड करेगा। और जिधर आपको AC सप्लाई चाहिए TDS वगैरह के लिए उधर VFD यूनिट होगा। नेक्स्ट है जी हॉस्टिंग सिस्टम एट ड्रिलिंग रिग। अभी हम देखेंगे कि हॉस्टिंग सिस्टम का मेन पर्पस क्या है और इसमें कौन से कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। द मेन टास्क ऑफ हॉस्टिंग सिस्टम इज टू लोअर एंड रेज द ड्रिल स्टिंग, केसिंग एंड अदर सब सरफेस इक्विपमेंट इनटू और आउट ऑफ द वेल। इस सिस्टम का मेन पर्पस ऊपर और नीचे करना ड्रिल स्टिंग को, केसिंग वगैरह को और बाकी इक्विपमेंट वगैरह को वेल में ले जाने के लिए और बाहर निकालने के लिए। ये आपके सामने एक हॉस्टिंग सिस्टम की पिक्चर दिखाई गई है। अभी हम इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ हॉस्टिंग सिस्टम, देयर आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ हॉस्टिंग सिस्टम एट ड्रिलिंग रिग। सबसे पहले ड्रॉवर्स आ गया, उसके बाद फास्ट लाइन आ गई, या पिक्चर में भी देख सकते हैं साथ। क्राउन ब्लॉक होगा, ट्रेवलिंग ब्लॉक ये पिक्चर में देखें साथ, ट्रेवलिंग ब्लॉक की पिक्चर भी दिखाई गई है। डेड लाइन, ये डेड लाइन, डेड लाइन एंकर, सप्लाई रील, ड्रिलिंग लाइन, होक और डेरेक। ये 10 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं हॉस्टिंग सिस्टम के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सर्कुलेटिंग सिस्टम है ड्रिलिंग रिग।
कि मेन पर्पस क्या है सर्कुलेटिंग सिस्टम के ड्रिलिंग रिग पे और इसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. द मेन पर्पस ऑफ सर्कुलेटिंग सिस्टम एट ड्रिलिंग रिग इज टू सर्कुलेट द ड्रिलिंग फ्लूड इनटू द वेल. मीन के ड्रिलिंग सिस्टम का जो मेन पर्पस है वो जो ड्रिलिंग फ्लूड होता है उसको वेल में सर्कुलेट करना. ये आपके सामने एक सर्कुलेटिंग सिस्टम की पिक्चर दिखाई गई है. इसमें आप देखें कि यहाँ मड टैंक से ड्रिलिंग फ्लूड जा रहा है मड पंप्स के थ्रू, स्टैंड पाइप रोटरी होज के थ्रू वेल में जाएगा और वेल से फिर आउट होके शेकर वाली साइड और शेकर से फिर मड टैंक में आ जाएगा. अभी इसके हम कंपोनेंट देखते हैं. देर आर फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटिंग सिस्टम एट ड्रिलिंग रिग. सबसे पहले आ गई मड पंप्स, फ्लो लाइन, स्टैंड पाइप, ड्रिल स्टिंग, नोजल्स. ये ड्रिलिंग बिट की नोजल्स हैं. मल टैंक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. सेटलिंग टैंक हो गया, मिक्सिंग टैंक हो गया, एक्टिव टैंक हो गया. मड मिक्सिंग इक्विपमेंट, मड को मिक्स करने के लिए मिक्सिंग पंप्स या हॉपर्स लगे होते हैं. सैंड रिमूवल इक्विपमेंट मीन्स जो मड आउट हो रही है इसमें से जो सैंड वगैरह रिमूव करनी है उसके लिए शेल शेकर, डिसेंडर, डिसिल्टर और डिगेसर वगैरह लगे होते हैं. नेक्स्ट है जी रोटरी सिस्टम है ड्रिलिंग रिग. अब इधर हम रोटरी सिस्टम को देखेंगे कि इसका मेन पर्पस क्या है और इसमें कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं. The main function of rotary system at drilling rig is to transmit rotation to the drill sting and consequently rotate the drill bit. Mean के जो rotary system है इसका main purpose drill sting को घुमाना और साथ ही drill bit को continuous घुमाना इसका main purpose होता है. ये आपके सामने एक रोटरी सिस्टम की पिक्चर दिखाई गई है. अभी इसके हम कंपोनेंट्स देखते हैं. देर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ रोटरी सिस्टम एट ड्रिलिंग रिग. सबसे पहले आ गया जी केली सिस्टम और टॉप ड्राइव सिस्टम. मीन कर या तो रेक पे केली सिस्टम लगा होगा या टॉप ड्राइव सिस्टम लगा होगा. अगर केली सिस्टम है तो उसमें केली होगी, केली बुशिंग होंगे. अच्छा सिवाइवल होगा, रोटरी होस, रोटरी ड्राइव, रोटरी टेबल, ड्रिल स्टिंग. ड्रिल स्टिंग में ड्रिल पाइप आ जाते हैं, ड्रिल कॉलर्स और ड्रिल बिट. या पिक्चर में भी रोटरी सिस्टम को देख सकते हैं. सबसे नीचे बेट है, फिर ड्रिल कॉलर है, ड्रिल पाइप हो गए, ये होज है, ये केली है, केली बुशिंग, रोटरी टेबल. आई होप इस वीडियो से आपको ड्रिलिंग रिग के जो सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में समझ आ गया होगा. वीडियो देखने का शुक्रिया. अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें. और हमारे यूट्यूब चैनल ऑयल एंड गैस इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे ही इस चैनल पे नई वीडियोस अपलोड हो वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.